गया शहर के आशा सिंह मोड़ के समीप गया का पहला व बिहार का 14वां और भारत का 442वां ब्रांच विशाल मेगा मार्ट का भव्य उद्घाटन टिकारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने रिबन काटकर किया। मौके पर मॉल से अपने और अपने स्टाफ के लिए सू की शॉपिंग भी की। अभय कुशवाहा ने बताया कि गया शहर में विशाल मेगा मार्ट का आज उद्घाटन किया गया। यह शॉपिंग मॉल काफी अच्छा है, यहाँ ब्रांड का कम कीमतों में सभी सामान उपलब्ध है, आप एक ही छत के नीचे पूरे परिवार के साथ शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं ब्रांच के मैनेजर अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस ब्रांच में सभी तरह के ग्राहकों के लिए कम कीमतों में एक छत के नीचे पूरी व्यवस्था है। हम लोग गया शहर में विशाल मेगा मार्ट को लाने का प्रयास किया और ले आए, और यहाँ के लोगों को, मीडियम क्लास के लोगों को काफ़ी सस्ते में सामान यहाँ मिले, ये हमारी प्रयास है। और मैं एक समाज सेवा भी करता हूँ और गया शहर का एक बिल्डर भी हूँ, और हम और हरिंदर सिंह मिल के इस लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के महामंत्री सह प्रवक्ता सुधीर कुमार ओझा, जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह और प्रधान महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता हरिराम मिश्रा में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर चिराग पासवान द्वारा निकाले गए आशीर्वाद यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, उनके निधन के बाद पार्टी की स्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। विगत विधानसभा चुनाव में बिना सांसद, वरिष्ठ नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिए चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ा। वहीं चिराग पासवान लगातार देश विदेश में लोजपा की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जैसे ही विधानसभा सत्र समाप्त होता है, पशुपति कुमार पारस पूरे बिहार के सभी जिलों में घूम घूम कर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। निर्णय लेंगे, हाँ, पार्टी में अगर चाहते हैं कि माननीय पारस जी के साथ आ जाएं, इस में बैनर तले अगर पार्टी में वो रहें तो स्वागत है, लेकिन इस तरह से पार्टी का नाम लेकर के और गलत तरह का भ्रांतियां फैलाना बंद करें। और पूरे इस मुजफ्फरपुर जिला में रंजन जी जिलाध्यक्ष बने हैं, हमारे हराम भाई हैं, प्रधान महाजी मुख्य प्रवक्ता हैं, आपको 31 अगस्त तक पंचायत बूथ स्तर तक संगठन बन करके और प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंप दी जाएगी, समझे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15 अगस्त तक, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मंत्रियों को दिल्ली में रहने के लिए, प्रवास करने के लिए कहे हुए हैं, 16 के बाद माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी बिहार आएंगे और 18 से उनके पूरे बिहार में दौरा चलेगा। उस क्रम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर औरंगाबाद मुसफिल थाना क्षेत्र के कठौतिया मोड़ के पास शुक्रवार को दोपहर एक तेज रफ्तार जीप ने 6 महिलाओं को रौंद डाला। हादसा इतना भीषण था कि 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 6 महिलाएं खेत में काम करने के बाद सड़क किनारे सुस्ता रही थी। इसी दौरान औरंगाबाद पटना हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही जीप सभी को रौंदती हुई निकल गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ गई, लोगों ने आनन फानन में 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 139 को जाम कर दिया। आक्रोशितों ने जमकर बवाल मचाया, घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। रोकनी कर रहे थे, खैरा स्कूल के पास हुआ है, खैरा स्कूल के सामने आस पास में हुआ है, 3 को एक्सीडेंट पूरा हो गया है, उन लोग जाम चल गया पूरा। और कितने लोग जख्मी हैं? तो वो एक अभी 3 वो यहाँ पर ही हैं। 3 यहाँ हैं, तीनों को रेफर कर दिया गया? हाँ, तीनों को गया रेफर कर दिया। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने पूर्णिया में प्रमंडलीय बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया रेंज के IG, पूर्णिया कटिहार और किशनगंज के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि मौजूद थे। पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 5 घंटे तक चले मैराथन मीटिंग के बाद मंत्री राम सूरत राय ने पत्रकारों को बताया कि बिहार के सभी प्रमंडलों में बैठक कर जमीन राजस्व दाखिल खारिज की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जानकारी मिली है कि सीमांचल के इलाके में कुछ कर्मचारी और भू माफिया मिलकर जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री और दाखिल खारिज कराकर बाहरी लोगों को बसा रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य एजेंडा है कि हमारे अंदर जो जितने भी विभाग कंसर्निंग डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आम जनता का जो शिकायत है वो जेनून है या फर्जी है, इस आधार पे बहुत सारी सेवाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है और राजस्व भूमि सुधार विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट।
जहानाबाद जदयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहली बार पटना आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद यह उनका पहला पटना दौरा है। उनके स्वागत के लिए पूरे पटना में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जहानाबाद से निरंजन केशव प्रिंस के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता पटना आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बहुत उत्साहित है और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं वह स्वतः लोग हैं जो अपने नेता अपने अभिभावक का स्वागत करने आए हैं। प्रिंस ने आगे कहा कि ललन बाबू किसी जात के नेता नहीं है, ललन बाबू जमात के नेता है। इसी वजह से आज यहाँ हर जाति और हर वर्ग के लोग आए हुए हैं। जहानाबाद से आए सभी लोग एवं जहानाबाद के तमाम जनता की ओर से फूलों का गुलदस्ता एवं 51 किलोग्राम के फूलों की माला भेंट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया।